हेलो, वेलकम बैक टू माय रेसिपीज़। आज मैं दही और फ्रूट्स की स्वीट डिश शेयर करने वाली हूँ। बहुत ईजी है इसको बनाना और हेल्दी बहुत है, तो देखिए कितना अच्छी सी लग रही है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, दो बाउल दही लिया है मैंने, और ये फ्रेश दही है बिल्कुल ताज़ा वाला। और अनार लिया है, 3 चम्मच अनार के लिए, और 3 चम्मच ही मैंगो ले लिया है, और अंगूर लिए हैं 2 चम्मच, और उनको कट कर लिया था बारीक बारीक, और एक बनाना लिए। तो फ्रूट्स अपने मनपसंद ले ले, जो भी पसंद हो। तो अब इसको सबसे पहले दही को एक कपड़े में बांध के रखेंगे, ताकि जो दही है वो गाढ़ा रह जाए और पानी है इसका वो निकल जाए, सेपरेट हो जाए अलग। तो इस तरीके से एक कपड़ा ले लेंगे कोई भी, और उस पर इस तरीके से दही डाल देंगे। तो यहाँ पे दही को आप लटका भी सकते हो, बट मैं क्योंकि 5 मिनट में ही बना रही हूँ इसको, तो यहाँ पे मैं लटका के नहीं रखूँगी। तो इस तरीके से इसको बांध ले थोड़ा सा, और जो एक्स्ट्रा इसका पानी निकलेगा इसको आप छाछ में या किसी में भी ले सकते हैं काम में, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होता है, इसका एक्स्ट्रा जो पानी बचता है जो। तो इस तरीके से बांध लिया इसको, और इस पे कोई भी भारी जो भी सामान है उसको रख दे इसके ऊपर, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। और ऐसे लटका के रखते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, बट मैं यहाँ पे इस तरीके से भारी स्टोन रखा था मेरे पास, तो वो रख रही हूँ मैं। तो ये देखिए अब तैयार भी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फिर अब इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ का इसका जो पानी था तो वो सारा निकल चुका है, तो अभी मैं इस पे ऐड कर दूंगी बॉल में। ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं बचा इस पे, और अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं है अब इसमें, और अब यहाँ पे मैं पिसी हुई शुगर डाल दूंगी। तो यहाँ पे पिसी हुई 2 चम्मच शुगर डाल रही हूँ मैं, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे इलायची नहीं डाली है। अब यहाँ पे जो भी मैंने फ्रूट्स कट करके रखे हैं तो वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अंगूर डाल दिए और अनार, मैंगो, तो ये सब मैंने ऐड कर दिए इसमें, और अब इनको मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स कर लेना अच्छे से। अब ये तैयार हो चुका है, तो अब इसको एक बॉल में सर्व कर लेंगे। बहुत ही अच्छा बना है ये, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आप इसको खाने से पहले आप फ्रिज में रख दें, ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए, और उसके बाद में ही इसको निकाल लें ठंडा होने के बाद में। तो इस तरीके से सर्व कर लिया, और इसको अनार के दाने जो बचा के रखे थे मैंने, तो उनसे डेकोरेट कर देंगे, अनार के दाने और मैंगो। तो यहाँ पे मैंगो भी डाल देंगे इसके ऊपर इस तरीके से, और ये तैयार हो चुका है। बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाता है, 5 मिनट भी नहीं लगते पूरी इसमें। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।